को कैबिनेट में लेकर आना, यह तो साफ एक नई सरकार का गठन दिखाई दे रहा है। और अगर नई सरकार का गठन है तो क्या पिछली मोदी सरकार का कैबिनेट जो कहें वो उसने हार मान ली, इसलिए हम लिख भी रहे हैं? अगर हम लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं वही हम यहां बता भी रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव के समय, अब आने वाला जो 5 राज्यों का चुनाव है और उससे पहले जो कोरोना काल दूसरी लहर बीता है और उससे पहले पहली लहर, इन सब लहरों में डॉक्टर हर्षवर्धन की जो किरकिरी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो किरकिरी हुई है, और उसके अलावा ट्विटर के साथ विवाद में जो किरकिरी हुई रविशंकर प्रसाद की, इन सब को की छुट्टी हो गई। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के नाम पर जिस प्रकार इस देश में अलग अलग नई शिक्षा नीति इंट्रोड्यूस करने की बात भी हो रही थी और नए जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी हटा दिया गया, नए अब कौन आते हैं देखा जाएगा, लेकिन एक बड़ा कुनबा जा चुका है मोदी मंत्रिमंडल से। ओवरऑल इस पूरे मंत्रिमंडल को नया मतलब पुराना जाना, इस पर नया जो आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो पुराना गया उस पर चर्चा करना चाहते हैं, और क्या यही हार है? प्रशांत जी, देखिए राजीव जी, इतनी बड़ी घटना है कि इसको बहुत हम विश्लेषण करने जाएंगे तो सारा समय मैं ही ले लूंगा, और मुझे अपने साथियों का जो परसेप्शन है उनका विश्लेषण है, दिनेश जी का और अमलेंदु जी का, वो नहीं मिल पाएगा। तो मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स रखता हूँ, फिर हम अपनी बात रखेंगे। देखिए जो एक तो कि काफ़ी जिसको कहें कि बुलडोजर चला है और उसमें कई लोगों के घर दब गए, लेकिन इसमें 2-3 बड़ी अहम बातें हैं। परसों मैंने लिखा था कि ए बी और सी टीम का जो फार्मूला है, तो वो ए बी सी टीम का फार्मूला क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास टैलेंट की कमी होती है, चाहे वो कोई सत्ताधारी पार्टी हो, जब वो पार्टी सत्ता में आती तो उसके पास टैलेंट की कमी होती है, उसको संतुलन बनाना होता है सरकार पार्टी के बीच में। तो जो बेस्ट टैलेंट होता है वो सरकार में चला जाता है, जो मोदी सरकार के साथ भी हुआ। तो ए टीम जो होती है तो सरकार में चली जाती है, बी टीम जो है वो पार्टी में रह जाती है, और सी टीम जो खुद न चुनाव जीत सकते हैं ना दूसरों को जितवा सकते हैं, उनको गवर्नर बना दिया जाता है। तो सी टीम को हम लोगों ने देख लिया कि गवर्नर बना दिए गए। ये मेरे ख्याल से एक तो एक एक्सरसाइज में ए और बी टीम के बीच संतुलन बनाने की बात हुई है कि शायद ये जो कुछ लोग निकाले गए हैं उनको पार्टी में पोजीशन रखी जाए, क्योंकि बंगाल की हार हुई है, अगले साल इलेक्शंस उत्तराखंड में है और उत्तर प्रदेश के 2 बड़े इलेक्शन में बीजेपी को जाना है, तो उसकी तैयारी भी है। साथ साथ एक जो सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं इसको मोहन भागवत के बयान से भी जोड़ कर देख रहा हूँ कि मोहन भागवत ने एक मुसलमानों को खुश करने वाला भी दिया। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आलोचना हो रही है मोदी सरकार की कि अब इनको प्रेस की आज़ादी से लेकर कोरोना का मैनेजमेंट, आर्थिक विफलताएं, ये तमाम तरीके से वो बदनामियां हो रही है और इमेज की क्राइसिस है। ये इमेज को ठीक करने का एक काम हुआ है कि जो ट्विटर से झगड़ा कर रहे थे उनको हटा दिया गया, इसमें कुछ सर लोग भी निकल गए जैसे प्रकाश जावड़ेकर, इनके बारे में कहा जाता है कि बड़े सिंसियर मंत्री हैं लेकिन उनको उनकी भी बलि चढ़ गई। उसके अलावा देखिए उत्तर जो नरेंद्र मोदी की शैली अब तक रही है, तो नरेंद्र मोदी किसी की परवाह नहीं करते थे कि साहब वो कोई एलाई है या कोई संतुलन बनाना है, कोई बैलेंस बनाना है, सामाजिक बैलेंस बनाना है, उसकी परवाह उन्होंने की नहीं। मुझे लगता है कि वो गर्मी और गर्म हवा जो दिल्ली में इस वक्त चल रही है उसकी गर्मी अब उनको उन तक पहुंची है, अब उनको मजबूरन संतुलन बनाना पड़ रहा है, बिहार में संतुलन बनाना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में शायद 7 या 8 मंत्री लेकर आए हैं, सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का के मद्देनज़र लेकर आए, तो ये अब इमेज को ठीक करने का वो है। और एक और संकेत जो इसमें मिलता है कि नरेंद्र मोदी को अब ये एहसास हो गया है कि सिर्फ उन पर या कोई गोदी मीडिया के जो बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं मास्टर स्ट्रोक वगैरह,
उस पे, और जो मुसलमान और गाय, अब इससे काम चलने वाला नहीं, अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 7 साल में उन्होंने काम करके तो नहीं दिखाया। तो अब वो ठीकरा जो है वो हर्षवर्धन पे फूट गया, वो ठीकरा तमाम चीज़ों पे फूट गया। और अभी जब जब एक और सरप्राइज हमको मिलेगा, राजीव जी शायद इसी प्रोग्राम में मिल जाए या बाद में मिले, कि जब मंडल के प्रभार सामने आएंगे, जब राष्ट्रपति भवन से कम्युनिकी आएगा किसको क्या मिला है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ बड़े फेरबदल वहां भी होने, जैसे वित्त मंत्रालय में शायद कोई फेरबदल हो जाए। एक नाम और भी है जो चल रहा है, चल रहा था कि सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री थे पहले, इससे पहले बिहार में जिनको ले आया गया था दिल्ली, राज्यसभा का सांसद बना, सदस्य बना दिया गया, लेकिन उसके बाद आज वो भी हाथ मलते रह गए और उनके हाथ में कुछ नहीं आया। सिर्फ ये कि ट्विटर पे वो ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं कि बिहार से 2 मंत्री बनाए गए हैं और एक RCP जो JDU से, और दूसरे पारस जो हैं वो पशुपति पारस वो लोजपा से। तो चाचा भतीजा लड़ाई में पशुपति यानी चाचा को फायदा हो गया और इधर RCP एक ही, जबकि JDU 4 चाहती थी कि 4 सीटें मिले, लेकिन आज JDU को अब मोदी जी के सामने सिर झुकाना पड़ा है और एक से ही संतोष करना पड़ा है। लेकिन फिर भी बिहार में इस वक्त आज का देख लिया जाए, एक रविशंकर प्रसाद को बाहर निकाल भी दिए तो 6 मिनिस्टर बिहार से हैं, और बिहार में भी उसके अलावा जो सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रशांत जी बिहार की गतिविधियों पे नज़र डालें तो एक तरफ ये चिराग पासवान आ गए हैं दिल्ली, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर कर दी है और उनके चाचा भतीजे के बीच जो लड़ाई हुई है उसको लेकर के, और दूसरी तरफ आज उनके चाचा जी जो हैं वो मंत्री बन गए हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो ओवरऑल बिहार की राजनीति को भी थोड़ा सा हम यहाँ पे उस पर भी चर्चा करना चाहते हैं, और साथ साथ चर्चा ये भी करना चाहते हैं प्रशांत जी कि आखिर यहाँ जब दिल्ली में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और चुनावों पे पूरी नज़र है, तो पश्चिम पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, त्रिपुरा से भी मंत्री बनाए गए हैं, असम से मंत्री बनाए गए हैं, मणिपुर से मंत्री बनाए गए हैं, मणिपुर में चुनाव है, तो साफ दिखाई देता है जो अभी दिनेश जी अपने पहले वक्तव्य में बता रहे थे कि एक नज़र, और शायद मुझे ध्यान आ रहा अभी बता रहे थे कि मोदी जी की नज़र जो है वो चुनाव पे रहती है और इस कैबिनेट विस्तार में एक रिफ्लेक्शन साफ दिखाई दे रहा है चुनाव का। ओवरऑल बिहार से शुरू करके, और अगर आप चाहें तो मध्य प्रदेश भी जा सकते हैं, मणिपुर तक, मैं चाहता हूं कि थोड़ी समीक्षा आप कीजिए इस पूरे कैबिनेट के विस्तार को लेकर के, और साथ साथ इसका असर आने वाले चुनाव, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश जरूर आइए कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, क्योंकि आप बहुत नज़दीक से उत्तर प्रदेश की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से की जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप ही के प्रोग्राम में चर्चा हुई है, और वो चर्चा ये हुई थी कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने करके BJP का जो पूरा सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने किया वो उनका फेल हो जाता है, वो उस पर यकीन नहीं कर सकते थे। और योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने की भी कोशिशें हुई, तमाम दौरे हुए RSS के लोगों के और BJP के लोगों के लखनऊ में, और वो सारी एक्सरसाइज जो है फ्यूटाइल हो गई। लेकिन उसके बावजूद 2017 के चुनाव में आप जाइए तो मौर्या जी का चेहरा सामने रख के चुनाव लड़ा गया, बाद में उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, पटती नहीं दोनों में। तो योगी जी ने जिस तरीके से किया है, अभी भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है एक महिला का, जो कह रही है कि पुलिस ने कैसा अत्याचार उसके साथ किया, एक दलित महिला का। तो ये योगी जी का पूरा जो कार्यकाल है और उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो सोशल इंजीनियरिंग की जो BJP की कोशिश है उसके विरुद्ध जाती है, तो उनकी छवि है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के लोग लिए गए हैं और जितने बड़े पैमाने पर UP का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, उससे जो योगी जी का जो वर्चस्व रहा है उसको कम करने का काम हुआ है। दूसरी बात, जहाँ तक सिंधिया जी की बात है, देखिए सिंधिया जी की मतलब हम लोग सब लोग ट्रेनों पे चलते हैं और कई बार क्या होता है कि RSC का टिकट मिल जाता है, और उसमें रात के 3 बजे आपका अगर कंफर्मेशन हो तो क्या मतलब है। तो सिंधिया जी के साथ जो है वो वैसे ही हुआ है कि
कि उनकी आरएसी बहुत देर में कंफर्म हुई है, अब वो कोरोना की वजह से हुई, जिस भी वजह से हुई। दूसरा देखिए, मोदी जी शुरुआत से कहते रहे मिनिमम गवर्नेंस गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, अब उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। 2014 में इनकी कैबिनेट का साइज था 47, अब हो गया 78। तो अब मैक्सिमम गवर्नेंस है और गवर्नमेंट है, और गवर्नेंस कितनी होगी ऐसा नहीं है कि आज भी जब जुलाई आ गई और वैक्सीन नहीं है, मनीष सिसोदिया का बयान आया कि दिल्ली में वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की किल्लत सब जगह पे, ब्राज़ील तक में जाके वैक्सीन का घोटाला उठ रहा है, फ्रांस में रफेल की इंक्वायरी हो गई है आपके खिलाफ, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, स्टेन स्वामी के बाद की मौत के बाद यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन जो है बयान जारी कर रहा, एक अंतर्राष्ट्रीय पूरा जो इमेज क्राइसिस है वो बहुत बड़ा है मोदी साहब के लिए। अब मुझे नहीं याद आता कि इतना बड़ा कैबिनेट रिशफल राजीव गांधी के बाद शायद किसी ने किया हो, मुझे नहीं याद आ रहा है कि नरसिम्हा राव की सरकार में, आगे की उनके बाद की सरकारों ने भी इतना बड़ा कैबिनेट रिशफल नहीं किया। जाहिर से कि बहुत बड़ी हेडलाइन उन्होंने दे दी है, लेकिन देखिए आने वाले वक्त में हमको देखना होगा कि ये जो हेडलाइन है वो कितनी बरकरार रह पाती है, क्योंकि देखिए कैबिनेट किस तरीके से काम करता है मोदी साहब का वो सबको मालूम है कि कैबिनेट नोट कब मिलता है, कैबिनेट मंत्री वहाँ पे कैसे जाते हैं, कितना बोल पाते हैं। तो वो जो पूरा सेंट्रलाइजेशन पावर है वो तो ज़बरदस्त है, उसमें भी अगर आमूलचूल परिवर्तन करें तब तो ये जो मिनिस्टर्स नए बने और इतना बड़ा मंत्रालय बना है ये परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आपने तो उनकी नौकरी ले ली हर्षवर्धन जी की, लेकिन कोरोना की कमेटी के चेयरमैन कौन है? मोदी जी। वैक्सीन के सर्टिफिकेट में मोदी जी का नाम है, थैंक यू मोदी जी के पोस्टर मेट्रो रेल से लेकर और चौराहों चौराहों पर लगे हुए हैं। नौकरी आपने उस बेचारे की ले ली जो आपके लिए ट्रोल भी कर रहा था राहुल गांधी को दिन रात। तो ये जो जवाबदेही है ये अगर आपने तय किया, जैसा नरेंद्र जी कह रहे हैं और विनोद जी ने भी कहा कि सरकार ने अपनी विफलताओं को एक्सेप्ट कर लिया, ये बड़ी बात है। अब यहाँ से वो आगे कैसे चलते हैं, क्या वैसे ही किसानों के साथ करते रहेंगे, टेलीविजन वैसे ही करता रहेगा, ऐसे ही छात्रों की धरपकड़ होती रहेगी और पुलिस का शासन चलता रहेगा, डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, तो ये अगर चलता रहेगा तो जो जिस इमेज क्राइसिस का को ठीक करने के लिए कोशिश की गई है वो कोशिश बेकार हो जाएगी।